नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा विधायक कुशाग्र सागर, जो कि बदायूं के विसोली विधानसभा से विधायक है। उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि किस तरीके का उनका अनुभव रहा और क्या कुछ वो कर रहे हैं अपनी विधानसभा में। कुशाग्र, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे हैं, क्या चुनाव लड़ने से पहले आपने सोचा था ऐसा? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और आपके सवाल पे अगर आते हैं तो देखिए, चुनाव लड़ने के समय पे तो ऐसा नहीं मैंने सोचा था कि जीतूंगा, लेकिन अपना प्रयास होता है, मैंने अपना पूरा 100% देने की कोशिश की और जितना हो सकता था क्षेत्र में मैं सक्रिय रहा। फिर मेरे पिताजी का भी पुराना क्षेत्र रहा है, तो उससे भी मुझे काफी लाभ हुआ और जनता के आशीर्वाद से, सबके प्यार से मैं जीत पाया। आप कुशाग्र पार्टी के सबसे युवा विधायक हैं, तो युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ताकि संगठन पार्टी और मजबूत हो सके? जी, अब देखिए, युवा होने के नाते मेरा मेन जो फोकस रहता है वो युवाओं पर ही रहता है। मैं सबसे पहले तो मैंने अपना जितने भी क्षेत्र के युवा हैं या आसपास के जिले के भी युवा मुझसे डायरेक्ट टच में रहते हैं, मैं सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट भी सबसे मिलता जुलता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ, उन लोगों की परेशानियां हैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ, उनको मैंने उचित माध्यम पे उनकी समस्याओं को पहुंचाने का भी काम करता हूँ। और एक फ्रेंडली बिहेवियर के साथ हम सब युवा लोग बैठते हैं, हम लोग चर्चा भी करते हैं, इसीलिए मेरे साथ युवा ज्यादा जुड़ता है। बिल्कुल। और चूंकि आप एक बड़े राजनीतिक परिवार से भी आते हैं, आपके पिता योगेंद्र सागर विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, माताजी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, क्या प्रेरणा मिली और आप किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? राजनीतिक गुरु तो मैं अपने पिताजी को ही मानता हूँ, क्योंकि उनसे ही परिवार में राजनीति आई है। और इससे पहले, पिताजी से पहले कोई भी राजनीति में हमारे परिवार से नहीं रहा। और मेरे पिताजी दो बार MLA रहे, एक बार चर्चा राजमंत्री रहे, और उनके ही थ्रू हम अब मेरे को आगे करा गया है और अब राजनीति में आया हूँ, तो फिर निश्चित रूप से मेरे राजनीतिक गुरु पिताजी ही हैं और मैं उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर भी चलता हूँ। यानी आपने उनको देखा राजनीति में किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, एक मुकाम हासिल किया, और उनसे प्रेरणा लेके आप भी इसमें आए? जी जी जी, उनके संघर्षों को देखते ही, उन्हीं के रास्ते पे ही मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी रास्ता तो बहुत लंबा है, लेकिन कोशिश मिली जाएगी। बिल्कुल। और अब तक के अगर कार्यकाल की बात करें कुशाग्र, तो वो किस तरीके का रहा और विधानसभा क्षेत्र में क्या उपलब्धियां आपकी रही? देखिए, कहा जाए अगर बदायूं के बारे में हम लोग कहें तो बदायूं को बहुत पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है। बदायूं के बारे में अगर किसी से बताएंगे तो बदायूं के लिए नेगेटिव थिंकिंग ही रखता है। फिर बदायूं में विसोली विधानसभा कभी भी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं रही, पीछे ही रही, हर चीज में पीछे रहने का। जब मैं चुनाव लड़ने भी आया था, मेरी माता जी लास्ट चुनाव लड़ने थी BSP से, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। अब इस बार मुझे मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी से मौका मिला, तो मैं जब क्षेत्र में उतरा था मैंने देखा था इतना पिछड़ा हुआ मेरा क्षेत्र रहता था, सड़कें नहीं थी, लोग माने नेताओं के लिए जो सभी बनाई हुई थी वो, अब उसको लगातार विकास कर रहा हूँ कि जो भी सभी है नेताओं की, उसको थोड़ा सुधार किया जाए। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज की, मेरे विसोली विधानसभा का आप पूरा चक्कर लगा करके देखें, एक भी रोड ऐसी नहीं मिलेगी जो आज खराब हो, जिससे चलने में निकलने में गांव वालों को या आसपास के लोगों को दिक्कत, ये मेरे लिए खुशी की बात है। चूंकि कुशाग्र, आपके पिता की राजनीतिक शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प तरीके से हुई थी और मायावती के खिलाफ वो चुनाव लड़े और बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए, उसके बाद मायावती ने टिकट दे दिया अगले चुनाव में BSP से। मेरे फादर एक्चुअली 91 से तैयारी कर रहे थे
और बीजेपी से ही मेरे फादर की शुरुआत हुई थी। 93 में पहला चुनाव मेरे फादर लड़े और पहला चुनाव लड़ने के बाद उसे भी उन्होंने खुद ही घूम करके अपना क्षेत्र बनाया था, सबसे मिले जुले थे और 93 में उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो वो जीते और उसके बाद सरकार ज्यादा देर नहीं चली थी। 93 में दोबारा से चुनाव हुआ था तब बहन जी दो सीटों से लड़ी, एक तो उस समय सुरक्षित बिल की हुआ करती थी बनाने में, आज भी चली है तो बिल की से बहन जी भी चुनाव लड़ी थी और एक और जगह से चुनाव, तो बहुत ज्यादा टक्कर बहुत ज्यादा थी तो उसमें मेरे फादर मात्र 2300 वोटों के बहन जी से हारे। उसके बाद फिर जब वो चुनाव हार गए तो फिर बहन जी ने ये अनुसूचित छोड़ दी थी, तो बाय इलेक्शन हुआ था, बाय इलेक्शन में भी मेरे फादर 800 वोटों से हार गए, 800 वोटों से हार गए। उसके बाद बीजेपी ने मेरे फादर के बजा राज्य मंत्री आईपीआर कंपनी वर्क करती थी बरेली में, उसका इंडियन सेंट्रल टाइम उसका चेयरमैन चुना दिया था और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री चुना दिया। कुशागर चुकी जी 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 अपनी बात पूरी करें। मैं फादर के बारे में बता रहा था, 2007 में फिर बीएसपी से लड़ने का मौका मिला मेरे फादर को, तो उसके बाद वो जीते थे। उससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें मानी कल्याण सिंह की पार्टी जो बन गई थी अलग, उससे मेरे फादर चुनाव लड़े थे, उसके भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर 2007 में बीएसपी से चुनाव लड़ने के बाद मेरे फादर जीते और 2012 में मेरी मदर का टिकट हुआ था बीएसपी से, तब बिचौली सुरक्षित हो गई, अब 2017 में मैं आया हूँ। कुशाग्र चूंकि युवाओं को आजकल हम ये देख रहे हैं कि उनकी जो रुचि है वो अलग अलग क्षेत्रों में होती है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई कुछ आईएएस बनना चाहता है, कोई दूसरी फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आके सिस्टम को और बेहतर किया जा सकता है, लोगों के लिए काम किया जा सकता है, ऐसे वो कौन से मुद्दे थे या कोई ऐसी तस्वीर या कुछ आपने देखा कि आपने सोचा कि नहीं मुझे कहीं और नहीं सिर्फ राजनीति में आना है? नहीं ऐसे मेरा तो मुझे राजनीति में भी जाना है क्योंकि मेरे फादर राजनीति कर रहे थे तो मेरा कभी ऐसा ध्यान नहीं रहा। मैं क्लास की तैयारी कर रहा था, मैं दूसरी बात जाना चाहता था, पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई, राजनीतिक कुछ ऐसी चीजें आ गई जिसकी वजह से मुझे राजनीति में आना पड़ा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जहाँ भी रहें आपका 100% अगर देते हैं, आप जो प्रयास किसी चीज के लिए करते हैं तो आपको उसमें अपना पूरा जोर लगाने का काम करता है, तो मैं अपना 100% अब राजनीति की तरफ देता हूँ। और जब से मैंने इस फील्ड में आना हुआ है तो फिर मैं लगातार प्रयासों में लगा हुआ हूँ कि किस तरीके से एक भी नेता की छवि में, जैसा अभी पहले ही बताया, इस नेता की छवि लोगों के मन में है, किसी की वजह से वो जो खराब छवि है, मैं चाहता हूँ कि हम जो युवा पीढ़ी अब राजनीति में आ रही है उस छवि को सुधारने का काम करें। हमारे जहां भी बैठता हूँ युवाओं के साथ बैठता हूँ तो मैं उन लोगों से भी यही कहता हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में जाए, जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि हो, पढ़ाई के विषय में हो, आप खेल कूद में आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीति में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपना 100% और एक आज अगर युवा हमारे साथ राजनीति में आना चाहता है, मैं तो लगातार नए नए युवाओं को चाहता हूँ, हमें देख रहा हूँ इस राजनीति के विषय में जो युवाओं में जो रुचि है वो बढ़ रही है, तो उस रुचि को देखते हुए मैं भी ये उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो राजनीति में आ रहे हैं तो उसको एक नई छवि के साथ, मैंने एक नई सोच के साथ आप लोग उतरेंगे राजनीति में, निश्चित रूप से नेता लोगों की छवि है उसको भी सुधार होगा और लोगों को नेताओं को विश्वास होने लगेगा। बिल्कुल। और कुशाग्र युवाओं को आप क्या संदेश देंगे, प्राइम न्यूज के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्राइम न्यूज के माध्यम से मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ, मैंने अभी पहले ही अपनी बात में बात तक की, आप लोग जिस क्षेत्र में जाए, जहां भी आपकी रुचि हो, पढ़ाई में, आईएएस आईपीएस, जहां भी आप जो भी बनना चाहते हैं, आपके लिए पूरा
खुला कैनवस है, आप बिल्कुल तैयारी के साथ उतरे, 100% अपना देने की कोशिश करें। आप लोग भी इसमें एक गेम तय कर लें, इसी गेम से आपको चलना है, इसी रास्ते को आपको सफल करके चलना है। और बहुत रुकावटें आती हैं, लेकिन आपको डट करके लड़ करके इसका सामना करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का काम करना है। बिल्कुल। और जी कुशाग्र, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि आपकी हमने बात की, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात की, आपके परिवार की बात की, राजनीति की बात की, आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, ऐसे में अब तक के कार्यकाल को सरकार के आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से होने के नाते भी और मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी रहा है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग बात करते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की, तो हम लोग उससे काम भी करते हैं। आज हम लोग क्षेत्र में उतरते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की सराहना करती है। आप जैसा कि आप लोग तो न्यूज के माध्यम से भी आप लोग इस चीज को देखते होंगे, लोग कहने वाले को बातें करते हैं, लेकिन जिन लोगों को लाभ मिला है, जो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनका उनकी सराहना करते हैं इसके कामों की। तो मेरा तो यही मानना है कि बहुत अच्छा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, दोबारा भी सरकार प्रदेश में भी आएगी और हमारे योगी जी दोबारा जी। कुशाग्र, किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो योगी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, कई ऐसी योजनाएं लाए गए हैं जिससे कि उनका बेहतरा हो, उनके उनके लिए बेहतर हो, वो अच्छी खेती कर पाए, अच्छे बीज उनको उपलब्ध हो। दूसरी तरफ कई जगह के जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं 3 कृषि कानून को लेकर। इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बहुत शुक्रिया। कुशाग्र सागर हमारे साथ जुड़े थे और वो बता रहे थे कि अब तक क्या कुछ उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के लिए किया, सरकार के कार्यकाल को वो कैसे देखते हैं और बताया कि क्या कुछ उनकी उपलब्धियां रही।